तो हेलो एवरीवन, देखिए आज की डेट में अभी स्टेनोग्राफर 2024 का आज एग्जाम आ चुका है। दोपहर तक हमारे पास उसके क्वेश्चन पेपर आ गए थे, उसके बाद आंसर की पे काम चल रहा है। मैं बात करूंगा रिगार्डिंग जी के हमारा आंसर की भी बन चुका है, आंसर की हमने सारे ग्रुप्स पे आपका शेयर भी कर दिया है, ठीक है ना। उसके अलावा अब ये जो पार्ट है यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की एनालिसिस की, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कोई भी आपका जो एग्जाम होता है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी ये तो आपका लेटेस्ट एग्जाम है जो एपीएसएसबी ने कंडक्ट कराया, तो ये एग्जाम का एनालिसिस करना जरूरी है क्योंकि आने वाले एपीएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होंगे लाइक सीजीएल होगा, सीएसएल होगा, हेड कांस्टेबल होगा, तो वहां पर किस तरह से क्वेश्चंस एपीएसएसबी रखने वाला है तो वो जानने में हमें काफी मदद मिलेगी विद दिस पेपर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर दे। तो ये जो लेक्चर है ये जीके के लिए होगा, ये डिस्कशन एनालिसिस। इसके बाद आपका मैथ्स का भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रीजनिंग का भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपका इंग्लिश का भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग जीके की बात कर लेते हैं। तो देखो सर, यहाँ पर ये हम सेट ए डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों का जो भी सेट हो उसके करेस्पॉन्डिंग इसको मैच कर लीजिएगा। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम सेट ए की बात कर रहे हैं। तो सेट ए में पहला क्वेश्चन है सर, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ द जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज जिसे कह रहे हैं जिमेक्स 23। देखो मैं 2021 से आपका करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और 2021 से लेकर अभी 2024 आ चुका है, मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हुआ आया हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन रिसेंट में एपीएसएसबी ने नहीं पूछे हैं, लेकिन ये पोटेंशियल टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, आज वो पूछ लिया गया, ठीक है ना। जिमेक्स 2023 ये क्वेश्चन मैंने भी करा रखा है ऑलरेडी, आप अगर देखोगे, ठीक है, तो ये देखो ये मेरी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका जो करेंट अफेयर्स की मेरी पीडीएफ है, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन वहीं से आप कह सकते हो, मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा वहां से उठ के आया, बट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपका करा रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है सर, विशाखापट्टनम, ठीक है ना। तो पेपर पे आ जाते, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज अ वेरी कॉमन अमंग द लाइव स्टॉक। देखो डिसीजेस वाला जो पोर्शन है वो हमेशा से आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहा है, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, दैट्स इट। इसमें थोड़ा सा उन्होंने लाइव स्टॉक से रिलेटेड पूछ लिया, जनरली वैसे ह्यूमन डिसीजेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन किस पे आया है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड डिसीजेज पे। तो वहां मैं आपको बताता चलू, फुट एंड माउथ डिसीज ये बैक्टीरियल डिसीज है और ब्रुसेलोसिस ये आपका वायरल डिसीज है, तो ये दोनों डिसीजेस किससे रिलेटेड है, ये आपका लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो थोड़ा सा कैसा सा, एक हाँ, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। कंफ्यूजिंग क्यों है, अगर मान लो मेरे को वो ऑप्शन ना दे और क्वेश्चन दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर, तो ये बनाता सर आर्टिकल 124 के अंदर, लेकिन यहां पर आर्टिकल नहीं दिया है, यहां पर लॉ दिया है, किस लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस्टैब्लिश हुआ था। तो देखो इसमें मेजोरिटी या कह लो काफी बच्चे जो आंसर लगा के आए हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो आपका गलत होगा क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उससे बनाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, ठीक है। तो उसका उसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं कह रहे थे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आज हम देखते हैं, ये बिल्डिंग आपका 1950s में मतलब एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम कर रही है, सेम बिल्डिंग आपका पहले कहलाती थी फेडरल कोर्ट, ठीक है ना। तो एक फेडरल कोर्ट बनी थी 1937 में, तो 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनी थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। तो बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आपका फेडरल कोर्ट है उसको एस्टैब्लिश किया गया था इन 1937, और वही फेडरल कोर्ट आगे चल के क्या बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे आज आप सुप्रीम कोर्ट कह रहे हो,
पहले ये क्या हुआ करती थी, फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। तो इसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सुइटेबल आंसर है वो क्या है, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए सर, इसमें आपको चार इयर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी उसने क्रोनोलॉजी पूछी है या कह लो किसी भी इवेंट का ईयर पूछा है। तो ये सवाल किसका है, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है ना। ये सवाल किसका है, मॉडर्न हिस्ट्री का। जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसको भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी डाल सकते हो, पॉलिटी में भी डाल सकते हो। बाकी ये वाली जो चीज है ये मैं पढ़ाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो हमारे कंटेंट में ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में, जहां पर जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे वो हमने सब कवर कर रखा है, ठीक है ना। 1773 से लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। इस पे आते से क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें चार इवेंट्स, चार ईयर दिए गए हैं, चार इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें से पहले कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई करने की, अगर हमको एक ऑप्शन पता है तो उसके हिसाब से क्या सही आंसर होगा। जैसे मान लो मेरे को पता है सर पूर्ण स्वराज, ये दिसंबर 1929 की बात है, ठीक है ना। दिसंबर 1929 में इसके लिए बात उठी थी, तो पूर्ण स्वराज ए का क्या हो जाएगा सर, ये पूर्ण स्वराज किससे रिलेटेड है, बी से, ठीक है ना। तो बी का ऑप्शन होना चाहिए फोर। तो बी का जो फोर है वो एक तो आपका यहां पर है, ठीक है ना, और कहां पर है, बस यहीं पर है सर, नहीं नहीं एक और है सी में। तो यानी आंसर सी या डी में से होगा। अब इसमें आप कोई और ऑप्शन ले सकते हो, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लो, ठीक है, या चंपारण मूवमेंट देख लेते हैं। चंपारण मूवमेंट वाज इन 1917, तो चंपारण मूवमेंट 1917 क्या हो जाएगा, थ्री आंसर, ए का थ्री। तो जो सी वाला है उसमें ए का टू है, तो यानी सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए का थ्री। तो अगर दो ऑप्शन भी आपको पता थे, इनमें से अगर दो इवेंट्स भी आपको पता है तो भी ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर जाओगे, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर इज डी। ये क्वेश्चन देखो, ये अपने नोट्स में कवर है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है ना ये। तो ये देखो सर, तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, ठीक है, और लाहौर सेशन में भी मैंने पढ़ाया है 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। तो चार में से जो तीन इवेंट्स है वो डायरेक्टली आपके नोट्स में कवर है, ठीक है ना। बाकी सत्याग्रह भी मैंने पढ़ा रखे हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर फाइव। अब क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा सा दिलचस्प है, दिलचस्प बोले तो इंटरेस्टिंग क्यों है सर, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर भी एपीएसएसबी ने सेम क्वेश्चन पूछा था कि द पुलिस एक्शन विच मर्ज हैदराबाद विद इंडियन यूनियन इज, द पुलिस एक्शन विच मर्ज हैदराबाद विद इंडियन यूनियन इज, वो ऑपरेशन का नाम है सर ऑपरेशन पोलो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द मनी बिल। तो देखो सर ये सवाल किस पे है, मनी बिल पे। मनी बिल पे ऑलरेडी हम लोग इंडियन पॉलिटी में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, ये इंडियन पॉलिटी का सवाल है। मनी बिल में इसकी खास बात ये होती है कि इसमें राज्यसभा के पास पावर नहीं है, या तो वो बिल को दो ही काम कर सकते हैं उस बिल के साथ, या तो उसको अप्रूव कर दें या फिर अगर कुछ चेंजेस सजेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ना आइदर अप्रूव और सजेस्ट चेंजेस, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, राज्यसभा बिल को कैंसिल नहीं कर सकती या 14 डेज से ज्यादा उसे होल्ड नहीं कर सकती। 14 डेज जैसे ही क्रॉस होंगे तो जो बिल है वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा राज्यसभा से पास हो गया, ठीक है ना। तो कैन रिजेक्ट द बिल, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, समझ गए। सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता, तो देख लो सर ऑप्शन एलिमिनेट करके, इसमें सेकेंड ऑप्शन है तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें तो चारों ऑप्शन है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्या बचा, बी जो कह रहा है ओनली थ्री, और बचा सी जो कह रहा है वन एंड थ्री। अब हमें ये भी पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ठीक है,
तो अगर इसमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट कवर नहीं है तो ये आंसर क्या हो गया, गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। देखो मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, लीस्ट पॉसिबल अगर आपको ऑप्शंस पता है तो भी आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे इसमें जरूरी नहीं आपको तीनों स्टेटमेंट पता हो, पहली दो भी पता हो तो भी काम आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है ना, तो देखो रेलवे है, बैंकिंग है, फॉरेन ट्रेड है, ये आपके यूनियन लिस्ट में कवर होते हैं। ठीक है ना, इसमें जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट ऑफ इसरो निक नेम्ड इज बाहुबली। तो जो चंद्रयान 2 लेके गया था, GSLV MK3। ठीक है, करेक्ट आंसर इज GSLV MK3। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी अपन कवर कर चुके हैं, अपने नोट्स में आपको मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, ये आई थिंक ये मैंने इसको लिखा नहीं है, इसमें मेंशन नहीं किया। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारे नोट्स में आपका कवर है, तो इसमें आप देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो बहुत फेमस है, आर्टिकल 44, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ इसको रट के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब आपका किसमें कवर है, डीपीएससी में कवर है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो डीपीएससी पे कई बार घूम फिर के क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन बन चुका है डीपीएससी कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में ये बन जाता है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, जैसे लास्ट ईयर बना था यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बना था। ठीक है ना, लास्ट ईयर किस पे क्वेश्चन बना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बना था, यानी डीपीएससी पे क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगले सर करंट अफेयर्स का सवाल है, स्पोर्ट्स का सवाल है, मैं हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जरूर करते जाओ। ये देखो सर बैक टू बैक 3 क्वेश्चन, ये जो देख रहे हो आगे और भी क्वेश्चन है, ये लाइन से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं, और टोटल क्वेश्चन आपके 25 है सर, आई थिंक हाँ 4 out of 25 आपसे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से पूछ लिए गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का विनर जैनिक सिनर। ठीक है ना, इंडिया वोन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में, करेक्ट आंसर इज 1928। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, अभी जनवरी लास्ट में अभी इसका रिजल्ट आया था, तो ये किसने जीता है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आप सीधे देख सकते हो कहां से पूछा गया है, ये सर आपका पूछा गया है डायरेक्ट क्या नाम है स्पोर्ट सेक्शन से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गोल्डन राइस इज बायो फोर्टिफाइड टू एड्रेस। देखो कुछ चीजों का बायो फोर्टिफिकेशन होता है, जैसे राइस है तो राइस में क्या करेंगे, ऊपर एक लेयर उसकी ऐड कर देंगे किसी चीज की, कोई मान लो न्यूट्रिएंट की लेयर, अगर मान लो लग रहा है सरकार को कि इस न्यूट्रिएंट की लोगों में कमी है, तो उस न्यूट्रिएंट की लेयर को क्या करेंगे वो लोग उस राइस में ऐड कर देंगे, ताकि जब भी आप वो राइस खाओगे तो उसके थ्रू उस न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन भी आप कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये अभी गोल्डन राइस का बायो फोर्टिफिकेशन किया गया है, तो किसकी कमी को दूर करने के लिए, करेक्ट आंसर इज सी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये भी देख सकते हो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस बादामी केव्स। देखो बादामी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, बादामी के बारे में सर कहां पढ़ा था, ये देखो चालुक्या, जो बादामी चालुक्यास है उनके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अर्लीस्ट चालुक्यास विद देयर कैपिटल्स एट बादामी। हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कहां पर सर, कर्नाटका। ठीक है ना, ये सब आपके नोट्स में कवर है, तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की लेयर्स की बात हो रहा है, ये टॉपिक हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर होता है, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर या फिर कह लो थर्मोस्फेयर, ये आपको ये सीक्वेंस रहती है। तो जाहिर सी बात है मीजोस्फेयर किसके ऊपर है, अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला देख लो, आयनोस्फीयर, नाम से पता चल रहा है सर इसमें आयन्स होंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 अगर करेक्ट है तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी आयनोस्फीयर, हाँ बिल्कुल, 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है, ठीक है ना, अबव द मेसोपॉज। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई हुई लाइन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे नोट्स में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स है उसमें आपको ये मेंशन कर रखा है मैंने, ठीक है ना। इसमें देख सकते हो 80 से 400 के बीच, ये जो थर्मोस्फीयर है इसी को कह दो आयनोस्फीयर, ठीक है ना। इसी में आपके क्या मिलते हैं, आयन्स मिलते हैं, ठीक है ना। आयनोस्फीयर उसी का एक पार्ट है, तो इसमें आपको क्या मिलते हैं, आयन्स मिलते हैं। तो ये किसके ऊपर है, मेसोपॉज के ऊपर है। बाकी देख लो मेसोस्फीयर किसके ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है ना। तो चीजें कहीं अलग से नहीं आई है, वही चीजें घूम फिर के कई बार रिपीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट बैंक रेट, ठीक है। देखो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट ए दिया है, आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द बैंक रेट। अब इसमें कुछ लोगों को डाउट हो सकता है सर कि जो आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उस लोन को तो अपन रेपो रेट कहते हैं। तो सर जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है ना। मान लो शॉर्ट टर्म लोन अगर है, यानी मान लो अप टू 15 डेज, यानी वो 15 डेज के लिए अगर आरबीआई ने लोन दे रखा है बैंक को, तो वो उसका इंटरेस्ट रेट कहलाता है रेपो रेट। यहां पर लॉन्ग टर्म वाले लोन्स की बात हो रही है, तो लॉन्ग टर्म वाले लोन्स आरबीआई जिस रेट पे बैंक को देता है वो कहलाता है बैंक रेट। ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी उठाओगे एज इट इज ये लाइन आपको वहां पर लिखी मिलेगी। बाकी बैंक रेट को तो अपन ने अपने नोट्स में भी लिख रखा है, ठीक है ना। तो हमारे जो इकोनॉमी के नोट्स हैं उसमें लास्ट में आप देखोगे ना, सबसे लास्ट में मैंने कुछ एडिशनल डेफिनेशंस ऐड कर रखी हैं, इसीलिए ऐड कर रखी थी कि हो सकता है कभी इस पे क्वेश्चन बन जाए, और इस बार आपका बन गया सर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख लो बैंक रेट यहाँ पर मेंशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर लैंडिंग मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। अब उसमें अगला स्टेटमेंट बोल रहा है, अ फॉल इन द बैंक रेट कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो देखो सीधी सी बात है, अगर बैंक रेट कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो बैंक्स ज्यादा लोन ले पाएंगी, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आएगा तो बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगी, यानी लोन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन रेट कम हो जाएगा तो लोग लोन ज्यादा ले पाएंगे, ठीक है ना। जब लोन रेट कम हो जाएगा, लोन रेट ज्यादा कम हो जाएगा तो लोग लोन जो है ज्यादा लेने लगेंगे, और अगर लोन ज्यादा लेने लगेंगे तो जाहिर सी बात है मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी सर, कॉमन सेंस है, बढ़ जाएगा। ज्यादा लोग लोन लेंगे तो लोन में सर ले क्या रहे, मनी तो ले रहे हैं, तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अ फॉल इन द बैंक रेट कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया सर, करेक्ट हो गया, अ फॉल इन द बैंक रेट कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो 16 का आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये टॉपिक बायोलॉजी का है, देखो बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, बायोलॉजी किसका पार्ट है, जनरल साइंस में। तो हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो जनरल साइंस के अंदर पढ़ते हैं, और जनरल साइंस में बायोलॉजी में मैं दो टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, एक तो डिसीज से रिलेटेड चीजें सर पूछता रहता है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल।
और इस बार अगर आप देखोगे तो डिसीज पे भी क्वेश्चन आए हैं, सेल पे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन उठा लो, पावर हाउस ऑफ द सेल। वैसे तो आसान सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो ये भी अपन ने कवर कर, ठीक है, ये अपनी स्लाइड, अपने नोट्स की स्लाइड की फोटो है, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो सर बहुत मजेदार है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या एक वर्ड और कहते हैं इसके लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है ना। तो वो वाला पार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे बोल रहे हैं, ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना, जो ए बी पॉजिटिव है वो आपका यूनिवर्सल क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग ए बी को मान लेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये तो सर अभी वर्ल्ड कप चल रहा था तो आपको याद होगा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में क्या सीन बना था, एक मैच हो रहा था बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, तो श्रीलंका के एक प्लेयर थे एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था, हेलमेट वगैरह उनका टूट गया था, दोबारा से मंगाया था, तो उनको क्रीज पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था। तो एक रूल होता है जिसके तहत अगर एक्स्ट्रा टाइम कोई भी बैट्समैन लेता है तो वो टाइम आउट कर दिया जाता है, तो ये भी आउट करने का एक तरीका होता है, ये रूल कई लोगों को पता ही नहीं था इससे पहले। लेकिन जब जो अपोजिशन टीम थी बांग्लादेश, उसने जब बोला कि टाइम आउट का रूल है, उसको इन्वोक करना चाहते, तो फिर एम्पायर क्या कर सकता था उसने, तो वो टाइम आउट लगा के एंजेलो मैथ्यू जो श्रीलंका के प्लेयर है उनको आउट भी कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश टीम के काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था, लेकिन हाँ जो रूल था उसके हिसाब से तो ही वाज आउट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था एंजेलो मैथ्यूज, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। तो तीन सवाल पहले डिस्कस की, ये चौथा सवाल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, देख सकते हो। और टोटल आपके जो क्वेश्चन आए हैं सर वो कितने आए हैं, टोटल क्वेश्चन आए हैं आपके 25 जीके के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ सर, बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, ये भी देखो, ठीक है, बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो बोन्स के लिए सर, बोन से बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट होता है और बोन को मसल से जोड़ने के लिए टेंडन होता है, तो ये भी अपने नोट्स में कवर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर इसका, करेक्ट आंसर इज लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 21, XBB.1.16, ये किसका वेरिएंट है, ये लास्ट ईयर न्यूज में था, COVID-19 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो एटॉमिक नंबर हमने सब कवर कर रखे हैं सर जनरल साइंस में, इसमें आप देखोगे तो केमिस्ट्री वाले जो पार्ट है उसमें हमने सारे एटॉमिक नंबर क्या कर रखे, मेंशन कर रखे, और मैंने बोल भी रखा था ये 20 तक एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसे हाइड्रोजन का तो सर देख लो एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और क्या क्या था सर, कार्बन, कार्बन देख लो 6 है, एल्यूमिनियम सर 13 है, सोडियम का क्या है 11 है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा किसका है, एल्यूमिनियम देन सोडियम, ठीक है ना, Na मतलब सोडियम, फिर उसके बाद कार्बन और फिर कौन सा है सर, हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 में, एल्यूमिनियम 13, सोडियम 11, 6 1, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑर्डर तो यही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फाउंड इन द टैमरिंड, ठीक है ना, एसिड फाउंड इन द टैमरिंड, टैमरिंड इमली को कहते हैं, खट्टी होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है सर, टार्टरिक एसिड। एक ऑप्शन सिट्रिक भी रख सकते थे वो लोग, कई लोग खट्टे से कंफ्यूज होकर सिट्रिक भी लगा सकते थे, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी मतलब जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पे क्वेश्चन है, तो सर ये उसी का पार्ट, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन देखे गए थे इट वाज लाइक कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, मान लो WHO दे दिया और पूछ लेगा इसका हेडक्वार्टर बताओ,
ठीक है ना। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो जनरल सेक्रेटरीज के ऊपर है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस में आपका जो 6 ऑर्गन्स है उसका एक ऑर्गन है, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें से एक है सर आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, और उस सेक्रेटेरिएट का जो बॉस होता है वो कहलाता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है ना। तो इसके भी इलेक्शन होते हैं सर। अगर आपको करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम पता हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा अलोंग विद हिज कंट्री, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो जो पास्ट में 4 सेक्रेटरी जनरल्स रह चुके हैं उन्होंने इस बार एग्जाम में उसके उनके नाम दे दिए और पूछा है बताओ जरा इनकी कंट्री कौन सी, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो खैर ये क्वेश्चन तो मैं टफ मानता हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपके सेक्रेटरी जनरल से अगर मैं बात करूं तो क्रिवलाई अगर आपको पता है ही इज ए नॉर्वेजियन, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, तो एक आंसर फोर। ये चीज इसमें मजेदार आती है, अगर एक भी ऑप्शन आपको पता है, मान लो ए वाला पता है ए का फोर, तो बस ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें ए का फोर है बाकी किसी में नहीं है, तो आप किसको टिक कर दोगे, ए को टिक कर दोगे। जैसे डैग जो है ये वाज स्वीडिश तो बी का हो जाएगा 1, थांट क्या हो गए थांट वाज फ्रॉम म्यांमार, कर्ट कहां से थे ऑस्ट्रिया से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकेंत एग्रीमेंट, ठीक है। देखो तो ताशकेंत एग्रीमेंट कहीं ना कहीं हम लोग आपका कहीं करंट अफेयर्स में ये टॉपिक आ जाता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हम इसको कवर कर ही लेते हैं। तो ये आपका आया था आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है ना। इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, 1964 में नेहरू की डेथ हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के गद्दी पे बैठते मान लो पाकिस्तान ने वॉर छेड़ दिया, तो 1965 में हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है। फिर हम लोग उस वॉर को जीतते हैं, फिर इसी वॉर की एक पीस ट्रीटी समझ लो जिसे हम कहते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, तो ये अगले साल में साइन होगा 1966। तो अगर आपको इतना भी पता है कि 1965 वॉर के बाद हुआ था तो आप ऑब्वियसली बात है 4 ऑप्शंस में से क्या टिक कर सकते हो, 1966 टिक कर सकते हो, ठीक है। इसी एग्रीमेंट के लिए ताशकंद गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ताशकंद इज इन उज्बेकिस्तान, मतलब आज का जो उज्बेकिस्तान है, तो वहां पर उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ भी हो गई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए भी ताशकंद एग्रीमेंट और ये आपका न्यूज में रहता है, ठीक है। तो ये थे सर आपका टोटल 25 क्वेश्चंस। देखिए इस साल से एपीएसएसबी का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है ना, इस साल से एपीएसएसबी का पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे लास्ट ईयर तक एपीएसएसबी में 3 फैक्टर्स होते थे, जीके इंग्लिश मैथ्स, 50 क्वेश्चन जीके के, 50 मैथ्स के, 50 इंग्लिश के। इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है, एपीएसएसबी में 4 सेक्शन ऐड हो गए, मतलब 4 हो गए, जीके इंग्लिश मैथ्स ये तो 3 थे ही, एक और ऐड हो गया है अब रीजनिंग। लास्ट ईयर सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एपीएसएसबी को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भैया रीजनिंग को भी ऐड करो, तो अब एपीएसएसबी एग्जाम्स में 4 सब्जेक्ट हो गए आपका, ठीक है ना। तो अब वो हर सब्जेक्ट से 25 25 क्वेश्चंस पूछते हैं, 25 जीके, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स एंड 25 रीजनिंग। तो अब क्या हो गया सर, टोटल 100 क्वेश्चंस, ठीक है ना। हर क्वेश्चन 2 मार्क का, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर अब आपका होता है। तो जीके का वेटेज अब कितना रह गया है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस। तो अभी जो 25 क्वेश्चंस पूछे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। स्टेनोग्राफर में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जीके में देखने को और थोड़ी सी शॉकिंग भी थी, इस बार अरुणाचल जीके का आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है इन 25 क्वेश्चंस में। बाकी पिछले साल का अगर आप ट्रेंड उठा के देख लो तो लास्ट ईयर तक तो 50 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चंस में अराउंड 10 क्वेश्चंस जो होते थे वो अरुणाचल से रिलेटेड होते थे, यानी 20% लगभग वेटेज चल रहा था अरुणाचल जीके का। लेकिन इस स्टेनोग्राफर में अभी अरुणाचल जीके से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। जनरल साइंस में भी बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला आपको पता देखा होगा आपने, एटमोस्फेयर से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी का आई थिंक नहीं है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। करेंट अफेयर से क्वेश्चन है,
चार क्वेश्चन डायरेक्ट आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गए हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा इकोनॉमी, इकोनॉमी से एपीएसएसबी जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है तो एक आधी पूछता है, इस बार भी वही हुआ है, इकोनॉमी से आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक एनालिसिस था, आप इससे हेल्प ले सकते हो आगे के एग्जाम्स के लिए, किस तरह से आगे के एग्जाम में पेपर बनने वाले, ठीक है ना। वी इन द नॉर्थ ईस्ट पीएससी हम लोग कई साल से यही काम कर रहे हैं, आपके एपीएसएसबी के पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं, करंट में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कोर्स में चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिलीवर कर रहे हैं, ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप चीजें कवर कर पाओ। तो इस बार का जो सर आपका अब एग्जाम होने वाला है, तो एपीएसएसबी ने 2024 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। तो 2024 का जो कैलेंडर है उसमें अब आप देख सकते हो, अभी जो पुराना हेड कांस्टेबल का एग्जाम बचा था वो होगा, कुछ नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट के एग्जाम्स हैं, प्लस मेन जो एग्जाम होते हैं सीजीएल, सीएसएल और सीएचएसएल, तो ये तीन एग्जाम्स फिर से हर साल होते हैं, इस साल फिर होंगे, ठीक है ना। तो इनके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो हमारे पास उसके लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट पीएससी में एपीएसएसबी के कोर्सेस आपका इस तरह से चला रहे हैं कि आपका जितना भी एपीएसएसबी का साल भर का एग्जाम है वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आपको कोर्स ज्वाइन करना है, 2 to 3 months में कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका जो पूरा टाइम है सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन करना है। हमारा जो कोर्स होगा, ठीक है ना, आपका ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ऑनलाइन की मैं बता दूं, और हर सब्जेक्ट का प्राइस है 2000 रुपीज, तो टोटल कितना हो जाता है 8000 रुपीज, लेकिन अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हो तो 8000 की जगह ये फीस कितनी हो जाती है 6000 रुपीज। बाकी कोर्सेज ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन में आपका ईटानगर में अवेलेबल है, साथ ही साथ नाहरलगुन में भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगर आप बाकी इनसे रिलेटेड कोर्सेज के रिलेटेड और ज्यादा अगर आप जानकारी चाहते हो तो मैं एक नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। तो नंबर सेव कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, 8076। ठीक है, 8076-5356-85। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जो भी आपको जानकारी है रिगार्डिंग अगर अपकमिंग कोर्सेज जैसे ये एपीएसएसबी का है और भी अदर एग्जाम्स लाइक टीजीटी पीजीटी के भी जो कोर्सेज चल रहे हैं, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है सर। चलिए ये हो गया जीके का डिस्कशन, अब इसी पैटर्न को एनालाइज करिए और इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे प्रिपरेशन अपनी करनी है, कीपिंग इन माइंड दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं कभी अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।